तक हम अपने गूगल क्लाउड स्किल चैलेंज से रिलेटेड यहाँ पर तीन बैजेस को कलेक्ट आउट कर चुके हैं। आज हम अपना चौथा बैच यहाँ पर जो कि जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स से रिलेटेड है यहाँ पर कंपाइल आउट कर रहे हैं। इस हम मॉड्यूल की बात करें तो हमने अब तक जो तीन मॉड्यूल्स कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, इंट्रोडक्शन टू लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स एंड इंट्रोडक्शन टू रिस्पॉन्सिव एआई, इन तीनों के कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस मॉड्यूल के अंदर हम कंपाइल करेंगे एंड क्लाउड प्रोडक्ट सर्विसिंग के अंदर आप चेक आउट करेंगे अपने सर्विसेज को। तो यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, देन आपको कंप्लीट यहाँ पर इस कोर्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखा दूँ इस तरीके का, आपको यहाँ पर एक जो है वो इंट्रोडक्टरी स्किल बैच जो है मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एक लिंक है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई कोर्स से रिलेटेड, देन लार्ज मॉडल से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिव एआई से रिलेटेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जनरेटिव एआई का यहाँ पर एक अदद फंडामेंटल कोर्स कंपाइल करना है। तो आप एक एक कर यहाँ पर इन लिंक्स को ओपन अप करेंगे एंड इसको यहाँ पर कम्प्लीटली कंपाइल करेंगे। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लिंक्स प्रोवाइड आउट किए गए हैं जिसमें आपको वो तीनों के तीनों सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड आउट की गई हैं। एंड फर्दर अब आपको यहाँ पर अपने क्वेस्ट को कंपाइल करना है। तो अगर आपने वो तीनों सर्टिफिकेशन कम्प्लीट नहीं किए तो आप तीनों के वीडियोज मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं, उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जो नेटिव एआई फंडामेंटल क्वेस्ट के बारे में बात करते हैं, अराउंड 20 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, मैं करीब क्वेश्चंस बताऊंगी, एक एक कर आपको उनके आंसर्स बताने वाली हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यू वॉन्ट टू क्रिएट अ चैटबॉट यूजिंग जनरेटिव एआई, विच एप्लीकेशन शुड यू यूज? सो जनरेटिव एआई स्टूडियो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू द जर्मनी इन फ्यू मंथ्स, यू हैव बुक्ड अ होटल दैट इंक्लूड्स डिनर, यू वॉन्ट ईमेल टू द होटल सो दैट दे कैन अवेयर योर फूड प्रेफरेंस। यूजिंग जनरेटेड एआई यू कैन इजिली जनरेट ईमेल इन जर्मन यूजिंग इंग्लिश प्रॉम्प्ट, विच जनरेटिव एआई ट्रेनिंग मॉडल enable you to do this? Text to text will be the correct option. क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, द परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स जनरली इम्प्रूव एज मोर डेटा पैरामीटर्स आर एडेड, तो टू विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल यूज ऑफ जनरेटिव एआई, अ कस्टमर सर्विस चैटबॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव है, व्हाट इज मशीन लर्निंग, प्रोग्राम और सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम डेटा इंस्टेड ऑफ बीइंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड टू डेवलप ट्रेन एमएल मॉडल ऑन द data by using different algorithms, palm api with maker suit will be the correct option. Further baat karte hain question number 7 ki, jo ki hai, google approach to responsible ai is based on the following commitments, it accountability and safe, it respect privacy, it driven significant excellent and it built for everyone will be the correct option. Question number 8 hai, your company has llm to have employee with their everyday task, want to teach your colleague about prompt design, which of the following is a good example of a well-designed prompt, translate the following sentence into French, hello how are you today will be the correct option. Question number 9, which of the following is recommended by Google as the most important establishment in AI governance, well practice around ethical decision making will be the correct option. Which of the following is example of pre-training for a large language module, select 3, text clarification, question answering, document summarization will be the correct option. You want to explain your colleague how generative AI work, which of the following would be a good example will be the correct. Question number 11 here, so the answer is generative AI learn from existing data that can create new content that is similar to the data it was trained on. Humne yahan par almost apna aadha quiz compiled out kar liya hai, hamare baaki ke 9 questions yahan par rehte hain, to unke bhi answers ko check out karte hain, then apne digital batch ko ग्राफ करेंगे फॉर जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स. व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ टास्क दैट बार कोडेड जनरेशन कैन परफॉर्म, एक्सप्लेन योर कोड टू योर लाइन बाय लाइन, डीबग योर लाइन ऑफ द सोर्स कोड, ट्रांसलेट कोड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 13 है, योर टीममेट इज यूजिंग जनरेटिव एआई बिल्डर टू क्रिएट एन ऐप फॉर जनरेटिंग इमेजेस, व्हिच बेनिफिट ऑफ जनरेटिव एआई ऐप बिल्डर मोस्ट लाइक टू लीड योर टीम टू चूज दिस अप्रोच, क्रिएटिंग ऐप content without writing code will be the correct option. Question number 14, according to the Google AI principle, bias can enter into the system at only specific point in learning machine language cycle, false will be the correct option. What are some benefits of prompt tuning?
select two options. Enable large language modules to adopt a wide range of tasks. Last but not the least, help larger language modules, LLM, generate more accurate response will be the correct option. You want to organize the document into a distinct group will be the question number 16 over here. Without defining the group, which type of machine language module should you use? Unsupervised learning modules. यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास. मोर ऑर्गेनाइजेशन हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रेन लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स फ्रॉम स्टार्ट. फॉल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर 18 है. हाउ डज जनरेटिव एआई वर्क. इसका करेक्ट आंसर रहेगा. इट यूजेस अ नेचुरल न्यूरल नेटवर्क टू लर्न फ्रॉम अ लार्जेस्ट डेटा सेट. हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. इस क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग इज अ टेक्निक फॉर इम्प्रूविंग द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ लार्जर लैंग्वेज मॉड्यूल्स विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अपने इस बैच का आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट आउट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 है. व्हाट एक्शन डज गूगल रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन टू take to ensure that AI is used responsible, seeking participation from a diverse range of people will be the correct answer. यहाँ पर अपने 20 questions को हमने complete किया है. हम यहाँ से submit वाले option के ऊपर click करेंगे. और आप देख सकते हो कि हमने 100% इस क्वेश्चन को कंपाइल किया है. इस विंडो को रिफ्रेश करेंगे एंड यू कैन इजीली सी दैट यू गॉट योर जनरेटिव एआई फंडामेंटल मशीन लर्निंग एआई सर्टिफिकेशन. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. जितने भी चैलेंजेस हैं यहाँ पर स्काउट से रिलेटेड, ऑल के आंसर्स मेरे चैनल पे मौजूद है. तो मेक श्योर कीजिए कि इसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छी टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत.